हाँ तो कई दफा सोचा आपसे घर गया हो तो यार बाजार से आपके लिए फीडर लेता हुआ चला नहीं आप लेकिन आप उसको ले आएंगे मैं उसको इस्तेमाल में रखूंगी मैं अपने लिए नहीं एक मैंने बच्चों को अडॉप्ट किया मैं उसको पिलाऊंगी अच्छा माशाल्लाह बच्चा अडॉप्ट किया एक बच्चा छोटी सी बेटी है ये देखिए ना ये एक इंसानियत की एक बड़ी अजीब बात है कि हम बास टाइम पर ना अपनी ताकत और कुव्वत देखते हैं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा होती है हम उसमें कोई ऐसा शेयरिंग नहीं करते लेकिन आपने अल्लाह की अल्लाह ने आपको ये दिया तो आपने ये ऐसा सोचा मुझे जिंदगी का मेरा जो तजुर्बा है वो बहुत अजीब और गरीब है मैं बंगाल में जब रहती थी मेरे बाप अब्बा मेरे जब वहां से उससे वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से आए थे उस वक्त वो पुलिस में सर्विस करते थे छुट्टी लेके आ गए थे बंगाल में कि उनको कुछ वहां पे बिजनेस वगैरह करेंगे तो 4-5 साल के बाद ही उनको बेचारे को तबियत उनका खराब रहने लगा और फिर उसी जमाने में उनको टीबी हो गया जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम 3 महीने ही बचोगे तो अब्बा ने फिर मुझे गाना सिर्फ इसलिए सिखाया कि ये टीचर बन जाएगी और हमारे बंगाल का माहौल ऐसा था कि जिन बच्चों को गाना बजाना या डांस करना नहीं आता उनकी शादी अच्छे जगह नहीं होती वहाँ यही होता मैंने हाँ, सुना मैंने मुझे बताया मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि जब रिश्ता आता है तो हाँ, सबसे पहले जो लेके रिश्ता लेके आते हैं उनको गाना सुनाती है जी जी और अल्लाह माफ करे यहाँ पे जिसको गाना बजाना तो उसकी नहीं होती अच्छा यहाँ पे जिसको गाना बजाना तो उसकी शादी नहीं होती लोग अच्छा है तो गाना गाती रहेगी हमारी बहू गाना गाएगी ये होता है ना यहाँ उल्टा सिस्टम है लेकिन बहरहाल मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी जैसे भी गुजरी अल्लाह ने बहुत अच्छा से अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा आप दो आदमी जो मेरे सामने लोग बैठे हैं ये आप पाकिस्तान की पहचान बन गए पूरी दुनिया के अंदर ये आप लोगों की मेहरबानी आपकी दुआएं सब आप लोगों की आप मुझसे छोटे हैं लेकिन दुआएं छोटा हो बड़ा हो दुआ दुआई हो दुआएं तो इतने से बच्चे की लग जाती बिल्कुल है छोटे से बच्चों की आपकी दुआएं कि हम दोनों आपके सामने आज बैठे हुए हैं बच्चों में किसी में ये म्यूजिक वगैरह का समूह नहीं है नहीं मेरे बच्चों में किसी पे नहीं है लेकिन जो मेरे नवासियां हैं उनमें है नवासियों में चला गया नवासी में चला गया और मेरे भांजों का बहुत शौक है मेरे दो भांजे हैं अरमान अली शाने अली उन लोगों को बहुत मतलब गाने का बहुत शौक है माशाल्लाह तो वो 2 साल के बाद चले जाएंगे अमेरिका फिर उनको हम वहाँ दाखिल करा देंगे क्या डिफरेंस क्या है आप वहाँ रह रही हैं और आप यहाँ भी रह रही हैं आजकल क्या डिफरेंस है अमेरिका में और इधर पाकिस्तान के अंदर आपने क्या महसूस किया मैंने क्या महसूस किया बताऊं बताए अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के वहाँ हर चीज सच है यहाँ हर चीज झूठ है तो गाना बदलना पड़ेगा इनका बदलना पड़ेगा झूठे हो तुमको कैसे मनाऊं भी है तेरे आपका ख्याल है बहुत लोग झूठ बोलते हैं मैंने जहां तक महसूस किया ये दुख हर चीज पे दुख है मुझे चीज खरीदने नहीं आए उस पर झूठ मिल जाता है आपको उस पर वो चीज आपको जो चीज जितना कीमत बताते उतने का चीज आपको नहीं देते आप अपने पसंद का चीज खरीद नहीं सकते हैं कपड़ा भी देंगे तो उतना उसको खींच तान के करते ताकि एक गज के बजाय वो 1.25 गज आपको मिले और अमेरिका में आप जाए वहाँ पे आप अपने खुद अपने हाथ से नाप लें आप एक गज लें वो सवा गज दे नहीं वहाँ पे आप अपने मर्जी से नाप लें ये आपके ऊपर है अगर आप बेईमान हैं तो आप 1.25 गज नापिएगा और 1 गज बताइएगा और वो उस पर यकीन करेंगे ये आपका उनका बिलीव है जैसे मैं पेट्रोल पंप में मैं देखता हूँ कि वो पेट्रोल आप डाल लें और फिर आकर के आप पैसे देंगे काउंटर पे ये अच्छा है अगर ये सिस्टम यहाँ हो जाए पेट्रोल पंप वाले 6 महीने बाद उसी पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहे होंगे यार सारा पेट्रोल भी चला गया एक पैसा भी नहीं आया क्योंकि अगर डाल दिया वो किसी के हाथ में नहीं आएगा तो ये मतलब ये डिफरेंसेस हैं जाहिर बात है इंसानों से लोग ज्यादा खौफ खा रहे हैं अल्लाह से खौफ बहुत कम खा रहे हैं क्या खूबसूरत बात की है वाह 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 आपका कोई यहाँ पे टेलीफोन वगैरह अच्छी ना मेरे घर पे 2011 पे आ गए थे 6 बंदे टीटी के साथ आराम से और 6:30 बजे लाइट चला गया था और वो दीवार कूद के आ गए आने के बाद मैं कपड़े पड़े लपेट के बैठी थी बहनों ने कहा कि भाई आप छुप छुपा के बैठी है मैंने कहा अच्छा वो सब चीज देखे देख दा के अपना आराम से जो जो चीज आया अब उसे कहने लगे कि मैं अगर पीछे वाले दीवार से कूद के जाऊं तो मुझे कोई पकड़ेगा तो नहीं मैंने कहा बेटा अच्छा खासा सामान मिल गया तू सामने वाले से जा 15 मिनट के बाद लाइट आ जाएगा उससे पहले निकल जाओ तू
कहने का अच्छा 15 मिनट के बाद लाइट आ जाएगा, खाला सही कह रही हो? मैंने कहा, कह रहे चलो मुझे दुआ दो। मैंने कहा उसको, मैंने सर पकड़ करके दुआ दिया। अच्छा, कह भी खाला रहा है? हाँ, उसको दुआ, एक तो सामान ले जा रहा है ऊपर से खाला कह रहा है, ये डबल दुख है, बहुत बड़ा दुख है। नहीं, दुख नहीं है, मैं महसूस कर रहा और दुख के लिए तो ये जख्म है। मैं तो सामान ले ऊपर से खाला कह रहा है। नहीं, चक्कर क्या था उमर, वो दुख की बात नहीं थी, वो अफसोस था कि मेरे मुल्क का हालात ऐसा हो गया कि ये लोग ये करने पे मजबूर हैं। मजबूर है। और बाकी आपने बड़ी सी बात की, मैं अब ये चाहता हूँ कि वो जो पुराना एक यही तो इनका इनके जो मुनफरिद जो थी ना, वो यही था कि लोग एंजॉय करते इनके, हालांकि गा रहे हैं गजलें लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। ये कोई गजल महफिल में आपने कभी नहीं देखा होगा ना। और फिर वो गजल, अच्छा फिर वो गजल के मायने भी इतने अच्छे हैं और इतनी इनवाइटिंग पोएट्री है, इतनी इनवाइटिंग पोएट्री है कि लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आप उसमें इनवाइट कर रहे हैं और लैस ही लगी हुई है कि आदमी खुद ब खुद उसके साथ कर रहा है। बिल्कुल। अब फिर मेरा एक चीज है कि मैंने बहुत आसान उर्दू में गजलें मैंने गाई। आपने ज्यादा उस्ताद कमर जलालवी की भी? मैंने उस्ताद कमर जलालवी, शकील बदायूनी, बहुत बहुत शायरों को मैंने गाया, लेकिन बहुत आसान उर्दू में, ताकि सब बच्चे भी समझ सके, बूढ़े भी समझे और मेरे चारों सूबे के। एक आपने शराब को बहुत गाया, तो एक जमाने में लोग समझने लगे आपका किसी विस्की कंपनी में शेयर है आप। ऐसा बात भी हुई है, आपने कहा था कि स्पॉन्सर करें इनको, लेकिन वो बात उन तक पहुंची नहीं। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, लेकिन ये प्यार के बीच में एक दीवार है, वो मेरी जिंदगी है, मेरा यार है, उसके बगैर सब कुछ बेकार है, यही तो मेरा कारोबार है, ब्रेक, जिसके अंदर हम जिंदगी गुजारने का सामान ढूंढते हैं। छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। शराब उनको है भी नहीं, पता नहीं किससे मांग रहे हैं। मैं शराबी, तू शराबी, ये शराबी, वो शराबी, हम सब शराबी, क्या है शराबी।